Assalamualaikum. My name is Neelam. Today we start over our next topic, that is vote and movement of unit number 4. In this chapter we discuss about the human skeleton, the types of joints, muscles and movement, and disorder of skeletal system. It is also a life process, and it is also very much essential for the survival of living organism. And movement and sport are the basic characteristic of animals. The organisms with greater sizes need sport to keep their body mass as one unit. This is particularly true for the organism that live on land. We know that animals need movements and locomotion, and these are the characteristic of animals. Movement is a general term meaning the act of changing place or position by entire body or by its parts. There are two types of movements, that is movements of body parts and locomotion. In locomotion, animal move as a whole from one place to another. So this is the major difference between movement and locomotion. Locomotion mein kya hota hai ki animal totally apni position ko change karta hai, jabki movement jo hai wo kisi bhi body parts ki ho sakti hai, jaise ki you can move your lip while you are talking, to us waqt aapke lips kya kar rahe hain, just move kar rahe hain. Isi tarah aap हैंड मूव करते हैं, शेक हैंड करते हैं, क्लैप करते हैं, तो उसमें जस्ट आप उस हाथ, आपके जो हाथ है वो मूव करते हैं, लेकिन आप एज अ होल जो है वो अपनी पोजीशन को या जगह को चेंज नहीं करते. तो लोकोमोशन में एनिमल एज अ होल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है. इस चैप्टर के अंदर हमने स्टार्ट में बात की कि हमने डिस्कस करना है ह्यूमन स्केलेटन के बारे में, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में, मसल्स एंड मूवमेंट्स के बारे में, एंड डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम के बारे में. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ह्यूमन स्केलेटन के बारे में. ह्यूमन स्केलेटन का जो है वो जिसका प्राइमरली अगर हम फंक्शन देखें तो वो क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर योर स्पोर्ट एंड मूवमेंट. मीन जो ह्यूमन स्केलेटन है वो किसी भी ह्यूमन को क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट और मूवमेंट सप्लाई करता है. सो फर्स्ट इज द ह्यूमन स्केलेटन. स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटन इज डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, अटैचमेंट फॉर स्केलेटल मसल्स एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडीज ऑफ एनिमल. तो स्केलेटन क्या चीज़ है कि ये एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है जो कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, सख्त होता है. आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, जो कि आपको फिजिकल सपोर्ट देते हैं. आपके आपका स्केलेटन जो है या आपके जो हड्डियों, ये फ्रेमवर्क जो है वो अटैच होता है आपके मसल्स के साथ, और ये जब आपके मसल्स के साथ अटैच होता है तो ये आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन. लाइक अदर वर्टिब्रेट्स, द ह्यूमन स्केलेटन इज ऑन द इनसाइड ऑफ द बॉडी एंड इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन. वर्टिब्रेट्स हम उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनके अंदर बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है. इसी तरह तमाम वर्टिब्रेट्स की तरह ह्यूमन बीइंग के अंदर जो स्केलेटन होता है वो इनकी बॉडी के इनसाइड पाया जाता है, इसीलिए इसे आप एंडोस्केलेटन कहते हैं. जबकि आपके पास जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनका स्केलेटन उनकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, जिसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं. इन द लिविंग बॉडी द स्केलेटन इज़ वेरी मच अलाइव. लिविंग बॉडीज़ के अंदर जो स्केलेटन पाया जाता है वो ऑलमोस्ट अलाइव होता है. मीन बोन्स एंड कार्टिलेज जो हैं दे आर अ लिविंग सेल एंड दे हैव नर्व सेल्स एंड ब्लड वेसल्स इन देम. दे कैन ग्रो एंड हैव द एबिलिटी टू रिपेयर देम सेल. सो आपका जो स्केलेटन है उसमें मेन दो चीज़ें हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज. बोन्स और कार्टिलेज से मिलके बने हैं जो कि लिविंग सेल्स हैं. इनके अंदर नर्व सेल्स भी प्रेजेंट हैं, ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट हैं, और ये आपको हेल्प करते हैं. मतलब ये अगर डैमेज हो जाए तो ये ग्रो और रिपेयर करने की एबिलिटी रखते हैं. नेक्स्ट इज़ द रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम.
स्केलेटल सिस्टम का जो मेन रोल है वो तीन है. फर्स्ट इज़ द प्रोटेक्शन, सेकंड इज़ सपोर्ट एंड थर्ड इज़ मूवमेंट. स्केलेटन जो है आपका बहुत ज़्यादा क्लोजली फंक्शन करता है विद द मस्कुलर सिस्टम, और मस्कुलर सिस्टम के साथ जब ये वर्क करता है तो ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, हेल्प अस टू मूव, आपको मूव करने में मदद देता है. इसी तरह स्केलेटन आपकी मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के जो डेलिकेट ऑर्गन होते हैं उन डेलिकेट ऑर्गन की प्रोटेक्शन करता है. जस्ट लाइक ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड इन द स्कल, स्पाइनल कॉर्ड इज़ प्रोटेक्टेड इन वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स प्रोटेक्ट द मोस्ट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन जस्ट लाइक हार्ट, लीवर, पेनक्रियास, स्टमक एक्सेट्रा. वर्टिब्रल कॉलम ऑल्सो प्रोवाइड द मेन सपोर्ट टू ओवर बॉडी मास. Next is the main thing, that is bone and cartilage, which can make the skeletal system. Overall, the human skeleton is made of bony framework, but in certain parts this framework is supplemented by cartilage. आपका जो mostly अगर हम देखें तो जो इंसान के अंदर हड्डियों का एक ढांचा है वो ज़्यादातर bones पे consisted है, लेकिन कुछ हिस्सों पे जो है वो क्या प्रेजेंट हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं. जहाँ पे हार्ड बोन्स नहीं प्रेजेंट वहाँ पे कुछ सॉफ्ट बोन्स प्रेजेंट होती है जिसे आप कार्टिलेज कहते हैं. फर्स्ट कार्टिलेज जो है ये होता क्या है, ये डेंस क्लियर ब्लू वाइट फर्म कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जो कि बोन्स की नस्बत कम स्ट्रॉन्ग होते हैं. कार्टिलेज जिस सेल्स से मिलकर बना है उन सेल्स को हम क्रोंडोसाइट कहते हैं, और हर क्रोंडोसाइट जो है वो एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस के अंदर प्रेजेंट है जिसे आप लैक्यूना बोलते हैं. अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो आपको इसके अंदर कार्टिलेज मैट्रिक्स दिखाई दे रहा होगा जो कि कोलेजन फाइबर का है, और यहाँ पे आपको छोटी छोटी स्पेसेस नज़र आ रही हैं. इन स्पेसेस को आप लैक्यूना कहते हैं, और इन लैक्यूना के अंदर जो है वो कार्टिलेज सेल प्रेजेंट होते हैं जिसे आप कोंड्रोसाइट्स कहते हैं. Each chondrocyte lies in a fluid-filled space called lacuna present in the matrix of cartilage. The matrix of cartilage also contain collagen fiber. Blood vessels do not enter cartilage. There are three types of cartilage. अब blood vessels जो हैं वो cartilage के अंदर enter नहीं हो सकती, और इसकी तीन types हैं. Number one is the hyaline cartilage. Second is elastic cartilage. Third is fibrous cartilage. Hyaline cartilage is strong yet flexible. It is found covering the ends of the long bones in the nose, larynx, trachea and bronchial tube. Hyaline cartilage जो है ये strong है लेकिन flexible होता है, मीन लचकदार होता है. ये आपकी long bones के end पे पाया जाता है, जैसे कि आपकी nose. Long bones कौन सी आपकी body में, thigh bone है, ठीक है, ये long bones होती हैं. उसके बाद आपके nose में larynx, ट्रेकिया और ब्रोंकियल ट्यूब्स में प्रेजेंट है. इलास्टिक कार्टिलेज जो है इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल है हायलिन कार्टिलेज की तरह है, ये भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये कम, बट हैज इलास्टिसिटी ड्यू टू अ नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर इन एडिशन टू कोलेजन फाइबर. लेकिन इसमें इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं कोलेजन फाइबर की एक्सचेंज में, और इसी वजह से ये ज़्यादा इलास्टिसिटी रखते हैं. इट इज़ फाउंड इन एपिग्लॉटिस एंड विना. ये एपिग्लॉटिस में प्रेजेंट है. एपिग्लॉटिस जो कवरिंग है ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. पिना जो कान का आपका बाहर ब्रॉड पार्ट है इसे पिना कहते हैं. इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो आपके पास इलास्टिक कार्टिलेज है. फिब्रस कार्टिलेज जो है ये टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, और ये कम फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर कोलेजन फाइबर जो है वो नीटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ये आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क में प्रेजेंट है, मीन जो आपकी बैकबोन है जिसे आप वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, और वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान में इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती हैं जो कि इसको कनेक्ट करती हैं. वहाँ पे आपके पास फिब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज़ द बोन्स, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. इट इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी. Bones not only move, support and protect the various part of the body but also produce red and white blood cells and store minerals. Bones जो है वो आपको ना सिर्फ help करती हैं move करने में, आपको support देती हैं और protect करती हैं, लेकिन इसके अलावा ये आपकी body के अंदर
रेड और वाइट ब्लड सेल्स भी प्रोड्यूस करती हैं, और इसके अलावा कैल्शियम और पोटाशियम को भी आपकी बोन्स के अंदर स्टोर करती हैं। द हार्ड आउटर लेयर ऑफ द बोन इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन। बोन्स के बाहर जो है वो एक हार्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, उस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। वाइल द इंटीरियर ऑफ द बोन इज सॉफ्ट एंड पोरस, जबकि इसका जो इंटीरियर पोर्शन है वो सॉफ्ट होता है और उसमें दानेदार, पोरस जो है वो दानेदार होता है। इट इज कॉल्ड स्पॉन्जी बोन, इसे स्पॉन्जी बोन्स कहेंगे। स्पॉन्जी बोन्स कंटेन ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो। स्पॉन्जी बोन्स के अंदर आपके पास ब्लड वेसल्स होती हैं और बोन मैरो प्रेजेंट होता है, लाइक कार्टिलेज। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो यहाँ पे आपके पास जो बोन है इसके तीन पार्ट हैं। फर्स्ट, इसके बाहर वाली जो कवरिंग है हार्ड है, उसे आप कॉम्पैक्ट बोन कहेंगे, लेकिन अंदर वाला पोर्शन जो है वो आपके पास पोरस नज़र आ रहा है, उसमें पोर्स नज़र आ रहे होंगे, तो उसे आप स्पॉन्जी बोन्स कहते हैं। और स्पॉन्जी बोन्स के अंदर जो है वो लिक्विड पाया जाता है, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, लाइक कार्टिलेज। द मैट्रिक्स ऑफ बोन्स ऑल्सो कंटेन कोलेजन, बट इट इज ऑल्सो कंटेन मिनरल्स दैट इज कैल्शियम एंड पोटाशियम, सॉरी फॉस्फेट। वी नो दैट कार्टिलेज कंटेन अ सिंगल टाइप ऑफ सेल, ऑन द अदर हैंड बोन्स कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। द मैच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। आपके पास ये जो है, इसके अलावा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर आप देखें तो 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो न्यूली बोर्न बेबीज़ होते हैं उनके अंदर टोटल 300 बोन्स होती हैं, जो आफ्टर विद द डेवलपमेंट द पैसेज व्हेन दे ग्रो, जब वो डेवलप करते हैं या ग्रो करते हैं उस वक्त वो बोन्स जो हैं कुछ बोन्स दूसरी बोन्स के साथ फ्यूज्ड हो जाती हैं, और टोटल उनके अंदर जब वो अडल्ट होते हैं उस वक्त उनके अंदर भी 206 बोन्स होती हैं, लेकिन जब वो पैदा होते हैं उस वक्त उनमें 300 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। सो दिस इज़ द टॉपिक जिसके अंदर आज आप लोगों ने स्टडी किया स्पोर्ट एंड मूवमेंट के बारे में, ह्यूमन स्केलेटन, जिसमें हमने कहा कि इसके दो तरह के स्केलेटन होते हैं, एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। उसके बाद आपने रोल ऑफ स्केलेटन पढ़ा, जिसके तीन मेन फंक्शन थे, स्पोर्ट, मूवमेंट एंड प्रोटेक्शन। उसके बाद आपने स्टडी किया कि जो आपका स्केलेटल सिस्टम है या आपका स्केलेटन है, ये दो चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, बोन्स एंड कार्टिलेज पे। बोन्स हार्ड होती हैं जबकि कार्टिलेज सॉफ्ट होती हैं। उसके बाद आपने कार्टिलेज के बारे में स्टडी किया कि कार्टिलेज जो हैं ये भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, लेकिन ये लेस जो हैं वो हार्ड होते हैं, और इसके अंदर भी कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है। इसके तीन टाइप्स हैं, हायलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फिब्रस कार्टिलेज। उसके बाद आपने बोन स्टडी किया, और उसकी बोन्स की आपने फर्दर स्ट्रक्चर स्टडी किया, और मुझे उम्मीद है कि आज का आपका जो टॉपिक था जो कि स्पोर्ट एंड मूवमेंट से रिलेटेड था, जो कि एक लाइफ प्रोसेस है, आपको बहुत हद तक क्लियर हो चुका होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।